हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। काकाश्री, कोई उत्सव है? उत्सव नहीं, महोत्सव। जो कुछ भी हो रहा है तुम सबकी मुक्ति के लिए ही तो हो रहा है। गंगा मैया के अवतरण के लिए पृथ्वी लोक पर वातावरण निर्मिति के लिए प्रभु का कपिल मुनि अवतार प्रकट हो रहा है। नारायण 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 नारायण। आप सारे विश्व में कपिल मुनि के नाम से ही जाने जाएंगे। आपका प्राकट्य पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए ही हुआ है। आप सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता होंगे, उद्गाता होंगे। भक्ति और तपस्या को आप एक नई दिशा देंगे। देवी गंगा के पृथ्वी लोक पर होने वाले अवतरण के लिए पृथ्वी लोक के शुद्धिकरण की आवश्यकता है। हे कपिल मुनि, आप अपनी तपस्या से और अर्जित तपो सामर्थ्य से पृथ्वी लोक पर पवित्र वातावरण बनाएंगे, जिसका लाभ देवी गंगा को होगा। असुरों के पाप धोते समय देवी गंगा का निर्मल जल मलिन हुआ है। आपका तप ही उस मलिनता का विनाश करके गंगा जल को पवित्र करेगा और वो जल पृथ्वी लोक वासियों के पाप ताप श्राप का विनाश करेगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण मस्तु। नारायण नारायण नारायण। महाराज, महाराज, शक्ति नगरी के राजा शक्ति सिंह का दूत आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। अनुमति है, यहीं आने को कहो।
जो आज्ञा महाराज। प्रणाम राजन। प्रणाम राजी। राजा शक्ति सिंह ने आपके लिए संदेश भेजा है महाराज। समस्तीपुर के महाराज और महारानी को शक्तिपुर के राजा शक्ति सिंह का सादर प्रणाम। इस पत्र द्वारा मैं आपकी पुत्री राजकुमारी सुमति का हाथ अपने लिए मांग रहा हूं। मैं अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि मेरा नाम और मेरी कीर्ति शक्तिपुर और समस्तीपुर तक ही सीमित नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में फैली हुई है। मैं अपने आप को राजकुमारी सुमति के योग्य समझता हूँ। मेरे जैसा शूरवीर बलशाली राजा राजकुमारी को दूसरा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए आप हम दोनों के शारीरिक संबंधों को मान्यता दीजिए। अन्यथा आप मुझे बल प्रयोग करने पर विवश करेंगे। आपका होने वाला जवाई राजा शक्ति सिंह। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? दूत सदा अवधि होता है। दूत तो वही बोलता है जो उसका स्वामी बोलता है। परंतु इतनी अपमानजनक भाषा। राजगुरु, बहुत ही ओछे, बहुत ही घमंडी है ये राजा शक्ति सिंह। विवाह जो मनों का, दो कुलों का मिलन होता है, वो उन्मत्त राजा विवाह को शरीर संबंध कहता है। जिसे वो कीर्ति कहता है, वो उसकी अपकीर्ति है, जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। हे दूत, जाकर कह दो अपने स्वामी से कि मैं राजकुमारी सुमति ऐसे मूर्ख, उद्दंड, उन्मत्त और घमंडी राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी।